इस कहानी की शुरुआत मैं ये बोल के नहीं करूँगा कि बहुत समय पहले की बात है, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उस समय मुगलों का शासनकाल था और तब अकबर भारत में शहंशाह हुआ करता था। हिमाचल के एक दूर गांव नादौन में एक व्यक्ति ज्वाला मैया का अनन्य भक्त था। वो हर समय माता रानी के ध्यान में मग्न रहता था, इसलिए लोग उसे ध्यानु भक्त कह के बुलाते थे। माता की भक्ति से ध्यानु भक्त में इतनी शक्ति हो गई थी कि लोगों के दुख कष्ट वो जय माता दी बोल के ही हर लेता था। एक बार ध्यानु भक्त माता रानी के बहुत से भक्तों की एक मंडली बना के ज्वाला मैया के दर्शनों के लिए निकलते हैं, लेकिन नगर में मुगलों के सुरक्षा सैनिक इतने सारे लोगों को एक साथ जाते देख उन्हें रास्ते में ही रोक लेती है। सैनिक ध्यानु भगत को अकबर के दरबार में ले जाते हैं। अकबर ध्यानु भगत से पूछता है कि तुम इतने सारे लोगों को लेके कहाँ जा रहे हो? तब ध्यानु भगत ने अकबर को बताया, मैं और मेरे साथ जो लोग हैं हम सब ज्वाला मैया के दरबार में जा रहे हैं। तब अकबर ने पूछा, ये ज्वाला मैया कौन है? ध्यानु भक्त ने ज्वाला मैया की महिमा के बारे में अकबर को सब बताया और बताया मैया के स्थान पर उनके ही प्रताप से ही बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है और ज्वाला माता ही सर्वशक्तिमान है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, यहाँ सर्वशक्तिमान तो सिर्फ मैं ही हूँ, और ध्यानु के घोड़े का सर तलवार से कटवा दिया। अकबर ने ध्यानु से कहा, अपनी देवी से कहो इस घोड़े का सर वापस जोड़ के इसे वापस जिंदा कर दे और यात्रा करने की अनुमति दी। ध्यानु भक्त ने ज्वाला मंदिर पहुंचकर माता की आराधना शुरू कर दी और हाथ जोड़कर ध्यानु भक्त ने माता से बारंबार प्रार्थना की कि हे मैया, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, माँ जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपना सर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। काफी देर बाद भी जब माता ने दर्शन नहीं दिए तब ध्यानु ने अपनी तलवार से अपना शीश काट के माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। शीश भेद चढ़ते ही माँ ज्वाला प्रकट हो गई और माँ ने उनका सर उनके धड़ से जोड़ दिया और वो वापस जीवित हो गए, और साथ ही अकबर के माँ उनके घोड़े का भी सर जोड़ के उन दोनों में फिर से प्राण फूंक दिए। तब माता ने कहा, किसी भी भक्त को अपनी भक्ति और सत्यता सिद्ध करने के लिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो भी भक्त मुझे शुद्ध भाव से प्रेम सहित केवल नारियल भी चढ़ाएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। वहां दूसरी ओर अकबर को उसके सैनिकों ने बताया कि घोड़ा जीवित हो गया, परंतु अकबर को अब भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और अकबर ने अपने सिपाहियों द्वारा माता की ज्योति को बुझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन मंदिर की ज्योति नहीं बुझी। अब अकबर को माता की शक्ति का विश्वास हो गया था और वह अहंकार में भर गया। स्वयं नंगे पैर सवा मन सोने का छत्र बनवाकर देवी के दर्शनों के लिए जाता है। देवी मैया ने अकबर का वो छत्र स्वीकार ही नहीं किया और वह छत्र सोने से परिवर्तित होकर किसी और ही धातु में बदल गया। अकबर का वो छत्र आज भी ज्वाला देवी मंदिर में रखा हुआ है, और वो सोने से परिवर्तित होकर कौन सी धातु में बदला यह आज भी पता नहीं चल पाया है। उसके बाद अकबर चुपचाप वापस लौट आया, क्योंकि वह समझ चुका था उसकी भेंट अस्वीकार हो गई है। नादौन गांव से 1 किलोमीटर की ही दूरी पर व्यास नदी के पास में ही ध्यानु भक्त जी का समाधि स्थल भी बनाया हुआ है। कहते हैं भक्त के भक्ति की कथा सुनने और सुनाने से माँ प्रसन्न होती है। आशा करता हूँ आपको ज्वाला माता की अनन्य भक्त की कथा सुन के आनंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी कोशिश सफल हुई। जय हो ध्यानु भगत की, जय माता दी।